चलो चलो, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। हिंदी में बोल कुछ जी। चलो ओके, एक्सरसाइज 1.2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइज योर आंसर। ओके, अभी लास्ट लेक्चर में आपने पढ़े थे नंबर सेट्स, याद है? एन नेचुरल सेट, उसके बाद डब्ल्यू होल्स होल सेट, देन आफ्टर जेड इंटीजर सेट, देन आफ्टर क्यू रेशनल, और लास्ट में रियल। बराबर, रियल में रेशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में पहला लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि रियल नंबर का जो सेट था उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों थे। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है, एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, बराबर, पर रियल नंबर जो है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते थे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, इरेशनल आते तो बराबर है, तो जो हर एक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, पर हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है। अगर ऐसा लोग बोलता एवरी रियल नंबर इज इरेशनल तो रॉन्ग, पर यहाँ पे लिखा है एवरी इरेशनल तो ये रियल। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, रॉन्ग। देखो नंबर लाइन जो होती है ना उसमें नेचुरल नंबर ही नहीं आते। नेचुरल नंबर पता है ना आपको, 1, 2, 3 जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है तो गलत है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए रॉन्ग है। लास्ट में क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी रॉन्ग। अभी बोला ना हमने कि क्यों, तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो रियल नंबर जो होता है सिर्फ इरेशनल नहीं होते, रेशनल भी होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉसिबल इंटीजर इरेशनल, जो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो नो। ये क्या बोल रहा है कि जिस जिस का स्क्वायर रूट निकालते हो वो हर एक स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ऐसा बोलता है। देखो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर, ये सब जो है वो सबका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होते हैं, ऐसा पूछता है वो, तो नो। उसका मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, आंसर 2। ओके, नो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा स्क्वायर बोला ना, ऑल स्क्वायर रूट ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल, मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4, देखो 4 पॉजिटिव इंटीजर है बट उसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा, मतलब ये तो रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं है। अंडर रूट 9 पॉजिटिव कितना आएगा, 3,
तो ये भी रेशनल है। नहीं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर एक पॉजिटिव इंटेजर होता है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। इरेशनल होते हैं नहीं, होते भी है बट ऑल इरेशनल नहीं होते। देखो जैसे मान लो अंडर रूट 3, तो ये उसका स्क्वायर रूट जो है ना वो अंडर रूट 3 होगा। हाँ। तो वो इरेशनल है। पर हर एक का इरेशनल नहीं आता। अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 आएगा, तो वो भी इरेशनल है। बट 4, 9 फिर आगे जाए 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा। तो ये सब जो है वो रेशनल है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है? सो हाउ अंडर रूट 5 लिखा है उसमें, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा क्वेश्चन है। नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, राइट? अब देखो, अगर इंटेजर होता है, समझो 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, -7 है, -6 है, तो वो आप नंबर लाइन पे इजीली एक रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे अंडर रूट 5 मतलब ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो यहाँ आपको एक चीज़ पहले समझा देता हूँ। पाइथागोरस नाम सुना है कभी? पाइथागोरस, तो पाइथागोरस का एक थ्योरम मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस का थ्योरम आपको नेक्स्ट ईयर 10वीं में आएगा, 5 मार्क्स में बोर्ड में वो आएगा क्वेश्चन। तो पाइथागोरस जो है ये एक मैथमेटिशियन था, गणित शास्त्री था वो। उसने एक थियोरी बताई, एक थियोरम बनाया था। वो क्या बोल रहा है उसका मैं आपको ब्रीफ में इंडिकेशन दे देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल समझो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, ठीक है, ये है बी, और उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे एसी जो है वो हाइपोटेनियस है, और ये जो साइड है ए बी और बी सी जो राइट एंगल बनाते हैं। ओके, तो एज पर पाइथागोरस थियरम क्या बोलता है, एसी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब बाकी की जो दो साइड है उसका स्क्वायर का एडिशन होता है। ये आपको याद रखना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड है उसकी स्क्वायर का टोटल होता है। समझो, मैं दूसरा एक बताता हूँ आपको समझ में आएगा। ये है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल कौन है? आर है, तो हाइपोटेनियस कौन सा बन जाएगा? पी क्यू। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ में? तो जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बाकी की जो साइड है उसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ हमको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी हमको क्या करना है, क्वेश्चन में अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, राइट? अंडर रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन
नंबर लाइन। ऐसे में क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है और उसका ट्रिक क्या है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले तो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ओके। ये मैंने बना दिया एक नंबर लाइन। 105 का एग्जैक्ट वैल्यू मुझको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। चलो यहाँ पे मान लो हमारा है ज़ीरो, क्या है यहाँ पे ज़ीरो ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से हम उस तरफ 105 का मेजरमेंट करके मार्किंग करना है। अब 105 का वैल्यू मुझे को पता नहीं कैसे मार्किंग करें, स्केल पे थोड़ा अंडर बाई फाइव नहीं होगा वो, तो 5-2 ऐसा इंटीजर होगा। तो हम एक जुगाड़ करेंगे यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ पे मैं दो यूनिट मार्किंग करूँगा, फिर यहाँ पे वर्टिकली मतलब 90 डिग्री पे वन यूनिट करूँगा, बराबर है। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, सुन लो। अब यूनिट में वर्ड यूज करता हूँ, यूनिट मतलब आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो, एक यूनिट के बदले में 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। चलो हम ऐसे करते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ऐसा हमने मेजर रखा है, ठीक है, स्केल। तो यहाँ से मेरे को 2 यूनिट बनाना है, 2 यूनिट बनाए ना मतलब मेरे को 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, कितना 2 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से करता हूँ। चलो, तो 2 सेंटीमीटर, हाँ, तो यहाँ से देखो, 0 से, ये 0 से, ठीक है, ये 0 से लेके मैं यहाँ से, तो मैंने ये 4 पे मार्किंग कर दिया। कहाँ पे मार्किंग किया? 4। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसा, आपको तो 2 यूनिट बनाना है, आपने 4 पे मार्किंग क्यों कर दिया? तो भाई साहब, एक यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 यूनिट ही हुए मेरे, कितने यूनिट हुए? 2। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, बात समझ में आई? ये 2 सेंटीमीटर। फिर से आपको याद करा दूँ, हमको 105 लेना है। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, 1 यूनिट का, 1 यूनिट बोले तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पे देखो 2 सेंटीमीटर पे लिया, कहाँ पे लिया? 2। ये 2 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट 90 डिग्री से ये मैंने बना दिया ये वाला। अच्छा, आपको अगर लगता है कि ये फिगर बहुत छोटा जा रहा है सर, तो आप जब घर पे बनाएंगे वापस, तो एक यूनिट में 3 सेंटीमीटर ले लो। तो फिर यहाँ पे 2 यूनिट के लिए 6 बनाना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये हो गया बी पॉइंट यहाँ पे। ये कितना हुआ? 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। तो डियर, यहाँ पे जो OB मिलेगा हमको, ये OB लाइन सेगमेंट मिलेगा, OB, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये OB का जो वैल्यू आ गया वो है √5। आप बोलेंगे क्या सर, कैसे आ गया √5 ये OB का वैल्यू? तो देखो, इन ट्राइंगल OAB, ये जो ट्राइंगल OAB है ना, यहाँ पे ये एंगल A जो है इज ए 90, देयरफॉर OB इज अ हाइपोटेनियस, बराबर है। तो एज पर पाइथागोरस थियरम क्या होगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बराबर है। अब OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA बोले तो 2, देखो, और AB बोले तो 1, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4
वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, तो ओ बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया फाइव, ये तो ओ बी स्क्वायर आ गया, तो बोथ साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट, तो ओ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओ बी और फाइव का स्क्वायर रूट अंडर रूट फाइव। तो देखो ये हो गया आपका ओ बी का वैल्यू अंडर रूट फाइव। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मेजरमेंट अंडर रूट फाइव है, पर सर हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए, आपने तो हवा में कर दिया हो, तो उसको नीचे ले के आते हैं, तो नीचे कैसे लाएंगे, तो यह हमको राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ओ पे, और ओ भी जितना हमने मेजरमेंट ले लिया, तो अभी जो हमारा मेजरमेंट है ये अंडर रूट फाइव का मेजरमेंट है, उसको मैं हल्के से यहाँ पे नीचे लेके आ गया हूँ। देखा, समझ में आया आपको, यहाँ से लिया और यहाँ तक मैं लेके आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया मेरा सी, सी राइट। तो इस ओ से सी तक का जो मेजरमेंट है ये अंडर रूट फाइव है, ये वाला, ये जो मेजरमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक का अंडर रूट फाइव है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन नंबर लाइन ओ सी, ओ से लेके सी, ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव यूनिट एंड पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी रिलेटेड टू अंडर रूट फाइव, मतलब पॉइंट सी जो है ना वो अंडर रूट फाइव को बिलोंग करता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में। तो सर यहाँ पे याद क्या रखने का, ये तो पक्का है कंस्ट्रक्शन को आपको यही करना है, पर आपने सर अंडर रूट फाइव के लिए यहाँ पे क्या लिया, टू, और यहाँ पे क्या लिया, वन। ये मेरे दिमाग में पहले से मैंने बिठा दिया था, क्यों, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर आएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, तब जाके मेरे को फाइव मिलेगा, सही बात है। अगर मैंने यहाँ पे थ्री ले लिया होता, सपोज मान लो, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, तो नाइन प्लस वन टेन, तो जुगाड़ हो जाता। हाँ, पर अगर मैं होमवर्क में आपको देता हूँ, सपोज मान लो होमवर्क में रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन अंडर रूट टेन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे थ्री लेंगे, थ्री यूनिट। अब अच्छा, एक यूनिट के बराबर आप कितना ले सकते हो, आपकी मर्जी, एक यूनिट बराबर एक सेंटीमीटर भी ले सकते हो, एक यूनिट बराबर दो सेंटीमीटर भी ले सकते हो, एक यूनिट बराबर थ्री भी ले सकते हो, जितना आपका मर्जी। और यहाँ पे कितना लेंगे, वन। पॉइंट समझ में आया। अच्छा, दूसरा भी क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो मान लो, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्या देता हूँ, हिंट। तो हिंट में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो आपको दिमाग में बैठेगा कि सर ये क्या है। देखो पहला होमवर्क में क्या, अंडर रूट टेन, तो हिंट में क्या लिखा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ गया, थ्री कहाँ पे लेना है, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली, और वन वर्टिकली, ओके। चलो मान लो यहाँ पे अगर मैं थ्री लेता हूँ और यहाँ पे टू लेता हूँ, दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर मैं थ्री लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टू लेता हूँ, तो यहाँ पे नाइन आएगा और यहाँ पे फोर आएगा, तो नाइन प्लस फोर थर्टीन, तो वो भी आपका होमवर्क में जोड़ देते हैं, अंडर रूट थर्टीन। तो इसका मतलब यहाँ पे हिंट क्या होगी, थ्री स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, बोलो समझ में आया। चलो मान लो और एक मैंने दिया अंडर रूट सेवनटीन, अंडर रूट सेवनटीन, तो आप क्या करेंगे इसमें,